मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम गॉडसे वाले नहीं है, हम गांधी वाले हैं। हम ना डरे हैं ना डरेंगे। उन लोगों को बता दीजिएगा कार्यकर्ता के लिए आइए। आप सामने देखिए, पुलिस वालों को सामने लगा रखा है कि विरोध करने से हमें रोका जाता है। ये आज देश में लोकतंत्र बचा है। अच्छे दिन आ गए इस तरीके से कहा गया। हाँ, अच्छे दिन आ गए ना अडानी के लिए और अंबानी के लिए। आम आदमी कार्यकर्ता पिट रहे सड़कों पर, इन्हें नहीं फर्क पड़ता। आज देश में आटा दाल चावल पर पहली बार GST लगाई गई है। आज देश के हालात ये है कि अग्निवीर के नाम पर देश को भड़काया जा रहा है और 4 साल के लिए केवल रोजगार दिया जा रहा है। सरकार तो अपना डाटा पेश करती हुई आई है, तो आप कैसे कह सकते? कौन सा डाटा पेश किया उन्होंने? जाती है कि बेरोजगारी ये, ये ये जो डाटा दिया है ना, ये केवल दलाल मीडिया को दिखाए और किसी को नहीं दिखा। ये केवल दलाल मीडिया को दिखाए और किसी को नहीं दिखाई। देश का आज हालात जो है, हम गॉडसे वाले नहीं है, हम गांधी वाले हैं। हम ना डरे हैं ना डरेंगे। उन लोगों को बता दीजिएगा, हम लोग ना डरे हैं ना डरेंगे। आज देश का युवा सड़कों पर है। देखिए किस तरीके से पुलिस वाले हमें रोकने की कोशिश करते हैं। ये रस्सी देखिए, इस रस्सी के सहारे हमारी आवाज़ को दबाने का, सामने बैरिकेड देखिए, बैरिकेड के जरिए हमें हमारी आवाज़ को दबाने का कार्य हो रहा है। हम लोग क्या आवाज़ उठाना? इस देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं है। हमारे साथ गलत नहीं हो रहा, हमारे साथ ये देश एक लोकतंत्र का तांत्रिक देश है। क्या हमारा विरोध करना भी इनको बुरा लगने लगा? क्या आटा दाल चीनी जो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती है, उनके खिलाफ विरोध करना भी आज इन्हें बुरा लगने लगा? सबका साथ सबका विकास नहीं देख पा रहे? नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, हमारा साथ और दो लोगों का, अंबानी अडानी का विकास, बस और कुछ नहीं है। साल बेमिसाल होने वाले थे। क्या कह रहा था कि बेमिसाल होने वाले हैं? हाँ, बेमिसाल हुए अडानी अंबानी के लिए, हमारे लिए नहीं हुए। हमें तो मारा गया, हमें थाने में रखा गया, हमारे खिलाफ लाठियां बरसाई गई। क्या कसूर था हमारा? हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने युवाओं के लिए आवाज उठाई। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने महिला सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने देश के युवाओं के लिए आवाज उठाई। हमारा कसूर बस यही था, जिसकी सजा हम लोग भुगत रहे हैं। युवाओं पे तो लाठियां चार्ज कर दी जाती है। यही तो है, यही तो नया भारत है। इसी को तो मोदी नया भारत बोलते हैं। इतिहास बदलने का काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देश गांधी का देश है, ये देश सावरकर गौडसे का देश नहीं है, ये देश किसी से डरने वाला नहीं है। अरे दो लोग गुजरात से आके देश नहीं चला सकते, ये देश चलाएगी 140 करोड़ जनता। देश का युवा, देश का बेरोजगार, देश की महिला और देश का हर वर्ग का आदमी, गरीब मजदूर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देश चलाएगा। ये देश मोदी सरकार, मोदी और हम, अंबानी अडानी और अमित शाह नहीं चलाएंगे देश। हम लोग देश तो संविधान से चलना चाहिए ना। हाँ, तो संविधान से नहीं चलता ना। संविधान की आज क्या हालत कर दी? क्या लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना विरोध नहीं माना जाता? हम लोगों के सामने बैरिकेड लगाए दिए जाते हैं। क्या गलती थी हमारी? क्या हो सकती है? अरे हिंसा क्यों होगी? हमें शांतिपूर्ण तरीके से मौका दो करने का, हम बिल्कुल करेंगे। ये पुलिस वाले आगे लगा देते हैं डंडे हाथ में ले लेके, हमें मारे। यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है कि शेर आया रोजगार खाया, यानी कि आप प्रधानमंत्री को शेर मानते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री अपने आप को शेर मानते हैं, हम नहीं मानते। प्रधानमंत्री अपने आप को शेर मानते हैं, हम तो उन्हें मानते हैं। जो चीन को लाल आग ना दिखा पाए, वो कौन था हमारा? हम जिस गांधी की बात करते हैं उसमें इंदिरा गांधी थी, जो पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। उस देश में पाकिस्तान से जब आँख उठाई, हमने उनकी आँख लेने का कार्य किया। ये हमारे अंदर गांधी विचारधारा का खून है। जब तक ये विचारधारा का खून हमारे अंदर जिंदा रहेगा, हम जब तक आवाज़ उठाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस जब तक थी तब तक देश को सिर्फ लूटने का काम किया है। हाँ, बिल्कुल लूटने का काम। हमारी गलती बस ये थी, हमने युवाओं की आवाज़ उठाई। हमारे देश की गलती, हमारे सरकार की गलती बस यही थी कि हमने महिला सुरक्षा दी। हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की सरकार की गलती बस ये थी कि हमने उनके लिए आवाज़ उठाई, जिन लोगों को आवाज़ दबाने का कर रही है सरकार। मोदी जी तो कहते हैं महिलाओं को सशक्त बनाकर रख दिया है। हाँ, बहुत सशक्त बना दिया। आए दिन बलात्कार होते हैं, मोदी सरकार एक शब्द नहीं बोलता। और यही दिल्ली में बलात्कार हुआ था, शीला दीक्षित की थी, केंद्र में सरकार थी,
लेकिन उसके बावजूद यही स्मृति ईरानी थी जो सड़क पे खड़े होकर उधम मचाने का कार्य करती थी, यही स्मृति ईरानी थी जो सिलेंडर के नाम पे लोगों का पागल बनाने का कार्य करती थी। 400 रुपए का सिलेंडर आता था उस समय और आज 1000 रुपए का हो गया। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये ढोंगी सरकार है, ये मोदी सरकार नहीं है, हिंदू सम्राट के हाथों में देश है, इस तरीके से कहा जाता है। किस बात का डर? कौन सा हिंदू सम्राट? हिंदू सम्राट देश का पहला प्रधानमंत्री था जिसने IIT एम्स इनको बनाया था। लेकिन आज देश में क्या हालत हो चुके हैं, देश में जहाँ जाओ वहाँ दंगे हो रहे हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, मुस्लिमों के मन में हिंदुओं के प्रति घृणा पैदा की जाती है, ये आपको दिखाई नहीं देता? अरे थोड़ा समय आप दलाली मीडिया से निकाल के बाहर आइए, आपको पता लगेगा। हम जमीन पर बैठते हैं, पुलिस वाले हमें उठा लेते हैं, क्या कहते हैं कि आप उधम करोगे? अरे देश की आवाज़ उठाना उधम करना है, देश की सुरक्षा भी तो मायने रखती है ना। अरे हम कौन सा देश में देश की सुरक्षा पर सेंध लगा रहे हैं? हम लोग महंगाई पर अगर विरोध करते तो हमें उठा लिया जाता है।